नमस्कार विद्यार्थियों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको राजस्थान की जलवायु के बारे में पढ़ा रही हूँ। विद्यार्थियों, सबसे पहले राजस्थान की जलवायु पढ़ने से पहले आपको ये समझना होगा कि राजस्थान की जो जलवायु है वो कैसी है, जलवायु क्या होती है, राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण हमने कैसे किया, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। विद्यार्थियों, तो देखिए विद्यार्थियों, हम अब पढ़ते हैं राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु क्या है, राजस्थान की जो जलवायु है वो क्या है, जलवायु कैसी है, जलवायु का वर्गीकरण, जलवायु ऋतु वर्गीकरण और जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण वर्गीकरण के बारे में हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, राजस्थान की जलवायु से पहले आपको ये समझना होगा कि राजस्थान की जो जलवायु है वो जलवायु होती क्या है, जलवायु होती क्या है इसके बारे में आपको समझना होगा। देखो विद्यार्थियों, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा वायुमंडल है। अल्पकालीन अगर वायुमंडल की जो दशाएं होती है, अल्पकालीन जो वायुमंडल की दशाएं होती है, उन अल्पकालीन वायुमंडल की जो दशाएं हैं, उन दशाओं की अगर हम बात करें तो जो अल्पकालीन घटनाएं हैं, जो अल्पकालीन घटनाएं हैं वायुमंडल की दशाओं की, किसकी, वायुमंडल की दशाओं की अल्पकालीन घटनाएं, वायुमंडल की दशाओं की अल्पकालीन जो घटनाएं हैं वो मौसम के नाम से जानी जाती है। इसके बाद देखिए, वायुमंडल की दशाओं की जो दीर्घकालीन परिस्थितियां हैं, जैसे दीर्घकालीन परिस्थितियों में आप मान सकते हैं तापमान, वायु दाब, आर्द्रता, तापमान, वायु दाब, आर्द्रता, इन सब की अगर दीर्घकालीन स्थितियां हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं, और अगर इनकी अल्पकालीन परिस्थितियां हैं तो उसे हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों, मौसम के नाम से जानते हैं। तो राजस्थान की जलवायु समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि जलवायु क्या होती है। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की दीर्घकालीन घटनाओं को क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। जलवायु निर्धारण हम 30 वर्षों की औसत दशाओं के आधार पर करते हैं। और जलवायु का निर्धारण कैसे होता है विद्यार्थियों, हम कैसे मानते हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी है, इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें कटिबंधों को देखना पड़ेगा। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, अगर हम कटिबंधों की बात करें, किसकी बात करें, कटिबंधों की बात करें, तो राजस्थान की जो जलवायु है वो कैसी है, ये हमें कैसे पता चले, तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये हमारा जो ग्लोब है इस पर 0 डिग्री, किस पर, 0 डिग्री वाला जो आपकी अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री जो आपकी ये अक्षांश रेखा है, इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो आपकी है, भूमध्य रेखा ग्लोब को 2 भागों में बांटती है विद्यार्थियों। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला हिस्सा है विद्यार्थियों, इसको हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है विद्यार्थियों, इसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं और ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, 23.5 डिग्री की जो रेखा है उसको कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में इसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मकर रेखा के नाम से हम इसको जानते हैं। तो देखिए, 66.5 डिग्री पर जो रेखा है उसको हम बोलते हैं क्या, आर्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं, आर्कटिक रेखा। और इसको बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। ठीक है विद्यार्थियों, अब जो है यहाँ पर उत्तरी ध्रुव वृत्त है और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव वृत्त है,
90 डिग्री पर। हमेशा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो विषुवत रेखा है इस पर सूर्य की किरणें हमेशा कैसी पड़ती है, सीधी पड़ती है। तो हमेशा यहाँ जो होगी वहां उष्णता होगी और सबसे ज्यादा तिरछी किरणें पड़ती है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध वाले इलाके में। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का जो उत्तरी ध्रुवव्रत और दक्षिणी ध्रुवव्रत है यहां पर विद्यार्थियों सबसे ज्यादा क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि सूर्य की सबसे ज्यादा तिरछी किरणें भी इसी जगह पर पड़ती है। ठीक है, अब आगे की बात हम देखते हैं कि आप अब राजस्थान की स्थिति की अगर हम बात करें, ये जो लाइन है विद्यार्थियों ये भी ग्लोब को दो भागों में बांटती है, पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। इस तरफ वाला पश्चिमी गोलार्ध और इस तरफ वाला जो एरिया है वो किस नाम से जाना जाता है, ये पश्चिमी है और ये आपका पूर्वी गोलार्ध है। कौन सा गोलार्ध है विद्यार्थियों? पूर्वी गोलार्ध है। ठीक है विद्यार्थियों, अब ये जो पश्चिमी गोलार्ध और ये आपका पूर्वी गोलार्ध है, इस पूर्वी गोलार्ध में आपका ये जो है ये आपका भारत है। क्या है? भारत की स्थिति है और इसी भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर पड़ता है आपका राजस्थान। राजस्थान का जो 32 जिले हैं, राजस्थान के जो 32 जिले हैं वो पड़ते हैं आपके शीतोष्ण कटिबंध में। कौन से कटिबंध में? शीतोष्ण कटिबंध में पड़ते हैं। केवल एक जिला जो है वो उष्ण कटिबंध में आता है, वो है आपका बांसवाड़ा। क्योंकि बांसवाड़ा 23 डिग्री 3 मिनट कर्क रेखा, 23 डिग्री 3 मिनट से जो आपकी कर्क रेखा जो रेखा है वहां से जो है बांसवाड़ा की सीमा प्रारंभ होती है। किसकी सीमा प्रारंभ होती है? बांसवाड़ा की सीमा जो है यहां से क्या होती है, प्रारंभ होती है विद्यार्थियों। तो आपने समझा कि राजस्थान के जो 32 जिले हैं वो कौन से कटिबंध में है, शीतोष्ण कटिबंध में है, जबकि आपका एक जिला जो है वो उष्ण कटिबंध में है। उस जिले का नाम है विद्यार्थियों क्या? बांसवाड़ा है। ठीक है, तो आपने देखा कि राजस्थान की जलवायु कैसी होनी चाहिए। राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु मानी जाती है, जहां की जलवायु में उष्णता तो है लेकिन आर्द्रता की क्या है, कमी है। ऐसी जलवायु को उपोष्ण जलवायु के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना है विद्यार्थियों, राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। अब बात करते हैं जलवायु का वर्गीकरण की, तो राजस्थान की जो जलवायु है वो कैसी है इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब डिस्कस करते हैं वर्गीकरण के बारे में। देखो, राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण हम दो आधारों पर कर सकते हैं। पहला वर्गीकरण है सामान्य वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण हम जलवायु के कितने प्रकार है, 5 प्रकार जो है जलवायु के माने गए हैं। राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु वाले प्रदेश है और जलवायु आधार जो है वर्षा के आधार पर इस सामान्य वर्गीकरण को किया गया है। कौन से वर्गीकरण को किया गया है? सामान्य वर्गीकरण को किया गया है। ठीक है, और व्यक्तिगत वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो कोपेन, तिरवाथा और आपका थानवेट ने भी जलवायु का वर्गीकरण किया है। कोपेन ने वनस्पति, वर्षा और तापमान के आधार पर वर्गीकरण किया है, त्रिवाथा ने वर्षा के आधार पर वर्गीकरण किया है और थॉनवेट ने तापमान, वाष्पीकरण की मात्रा और वर्षा के आधार पर जो है क्या किया है, वर्षा के आधार पर जो है क्या किया है, वर्षा के आधार पर जो है इसका जलवायु का निर्धारण किया है। तो ध्यान रखना, राजस्थान की जो जलवायु है उस राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण के आधार पर 5 भागों में इसको बांटा जा सकता है। और आधार किसको माना है सामान्य वर्गीकरण में? वर्षा को आधार माना गया है। उसके बाद व्यक्तिगत वर्गीकरण की अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो कोपेन, त्रिवाथा और थॉनवेट इन तीनों ने जो है जलवायु का क्या किया है, वर्गीकरण किया है। तो ध्यान रखना,
आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण और कोपेन के वर्गीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो आपके कौन से टॉपिक में से किए जाते हैं, कोपेन के वर्गीकरण में से किए जाते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, जलवायु के वर्गीकरण की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, जलवायु के वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो सामान्य वर्गीकरण किसके आधार पर है, वर्षा के आधार पर है। किसके आधार पर है, वर्षा के आधार पर है। और वर्षा के आधार पर सामान्य वर्गीकरण में हमने इसको पांच भागों में बांटा है। पहला है आपका शुष्क कटिबंधीय जलवायु, दूसरा है अर्धशुष्क कटिबंधीय जलवायु, तीसरा है उपाद्र जलवायु, चौथा है आद्र जलवायु और पांचवा है अति आद्र जलवायु। तो ध्यान रखना, शुष्क कटिबंधीय जलवायु जहां पर 0 से 20 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, 0 से 20 सेंटीमीटर जहां पर वर्षा होती है वो क्षेत्र जो है शुष्क कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है, और राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है वो इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए अर्ध शुष्क कटिबंधीय जलवायु प्रदेश, जहां पर वर्षा का औसत 20 से 40 सेंटीमीटर के मध्य होता है वो क्षेत्र कहलाता है, और राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद उपआर्द्र जलवायु प्रदेश, 40 से 60 सेंटीमीटर की वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है, और राजस्थान का जो अरावली पर्वतीय श्रृंखला है वो वाला क्षेत्र 40 से 60 सेंटीमीटर की वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद आर्द्र जलवायु प्रदेश, 60 से 80 सेंटीमीटर का जो आपका पूर्वी मैदानी वाला भाग है वो इसके अंतर्गत आता है, और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश 80 से 120 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा वाला क्षेत्र जो कि हाड़ोती के नाम से जाना जाता है वो इसके अंतर्गत आता है। तो राजस्थान की जलवायु को हम पांच भागों में बांट सकते हैं, शुष्क कटिबंधीय जलवायु, अर्ध शुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र के नाम से इसको जाना जाता है। अब आगे देखिए, हम इसके माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं, मैप के माध्यम से भी। देखिए सबसे पहला मैंने आपको बताया 0 से 20 सेंटीमीटर, कितना बताया, 0 से 20 सेंटीमीटर की वर्षा वाला क्षेत्र, और राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो इसके अंतर्गत आता है। पश्चिमी प्रदेश जो है राजस्थान का, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है वो इस शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, और यहां पर वर्षा का औसत 0 से 20 सेंटीमीटर के मध्य माना जाता है। फिर आता है आपका अर्ध शुष्क, कौन सा है ये, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, जहां पर वर्षा का औसत 20 से 40% रहता है, और ये भी आपका मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। तीसरा है आपका उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, जहां पर वर्षा का औसत 40 से 60 सेंटीमीटर के मध्य होता है, 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाला क्षेत्र जो है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, और राजस्थान की जो आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला वाला जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। फिर आता है आर्द्र जलवायु प्रदेश, आपका जो हाड़ोती प्रदेश है, कौन सा प्रदेश है विद्यार्थियों, हाड़ोती प्रदेश वाला जो हिस्सा है और आपका आबू वाला जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, हाड़ोती आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। उपाद्र जलवायु प्रदेश की ध्यान रखना 60 से 80 सेंटीमीटर, और आर्द्र जलवायु प्रदेश की ध्यान रखना 80 से 120 सेंटीमीटर के मध्य की जो वर्षा है वो कहां पर होती है, आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आती है। तो राजस्थान की जलवायु के सामान्य वर्गीकरण में हम पांचों प्रदेशों के बारे में पढ़ा, शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, उप आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश
ये 40 से 60, 60 से 80 हो गया, और आपका 80 से 100 और 100 से 120 में जो है आपका अति आद्र जलवायु प्रदेश में जो आबू का सिरोही क्षेत्र है और आपका झालावाड़ वाला जो इलाका है वो अति आद्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है विद्यार्थियों, आद्र जलवायु प्रदेश में आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश आता है। कौन सा आता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है वो आद्र जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आद्र जलवायु में आबू और हाड़ोती का क्षेत्र आपका अति आद्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, ये वाला क्षेत्र। ठीक है विद्यार्थियों, तो पांच भागों में हमने जो है आद्र जलवायु को बांटा है विद्यार्थियों। तो पांच भागों में बांटने के बाद मैंने व्यक्तिगत आधारों में एक वर्गीकरण बताया था, वो वर्गीकरण था किसका? कोपेन का वर्गीकरण। किसका था? कोपेन के वर्गीकरण की अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो ये आपका कोपेन का वर्गीकरण। कोपेन वर्गीकरण में की अगर हम बात करें तो राजस्थान की जलवायु को कोपेन ने चार भागों में बांटा है। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है विद्यार्थियों? चार भागों में बांटा है। कितने भागों में? चार भागों में बांटा है। आधार जो उसने रखे हैं वो है वनस्पति, वर्षा व तापमान को आधार मानते हुए राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया है। किसने किया है? कोपेन ने किया है। अब देखिए कोपेन के वर्गीकरण को समझने के लिए ये पांच वर्ड आपको समझना जरूरी है। पहला है ई, दूसरा है डी, सी, बी, ए। ध्यान रखना, ए का मतलब है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहां की जलवायु आद्र होती है। उष्ण है, गर्मी है, लेकिन वहां पर आर्द्रता है, ऐसे क्षेत्र ए के अंतर्गत आते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है वो ए के अंतर्गत आते हैं। शुष्क क्षेत्र जो है वो बी में आते हैं। सी जो उपोष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्र है वो किस में आते हैं? जहां पर क्या है? उष्णता है लेकिन आर्द्रता की कमी है, वो क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। डी में हिमतुल्य क्षेत्र आते हैं और ई में आपके बर्फ और तुंडा तुल्य क्षेत्र आते हैं। तो आप देखिए बी में दो चीजें ध्यान रखना, एक डब्लू और एक एस। जहां पर डब्लू है इसका मतलब है शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र इंगित करता है डब्लू, और अर्ध शुष्क मरुस्थल जिसे स्टेपी के नाम से भी जाना जाता है ये इंगित करता है आपका एस को। किसको इंगित करता है? एस को इंगित करता है विद्यार्थियों। ठीक है, तो स्टेपी हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में आप देखिए कोपेन के वर्गीकरण को हम कई आधारों पर समझ सकते हैं, वो देखिए। ये देखिए राजस्थान के जलवायु प्रदेश को हम चार भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? चार भागों में बांट सकते हैं। चार भागों में बांटने के लिए हमें क्या करना होगा? राजस्थान की जो जलवायु है उसे हम चार भागों में बांट सकते हैं, ए डब्लू, बी डब्लू एच डब्लू, बी एस एच डब्लू और सी डब्लू जी। इन चार आधारों पर हम राजस्थान की जलवायु को बांट सकते हैं विद्यार्थियों। ध्यान रखना, बी डब्लू एच डब्लू, बी एस एच डब्लू, सी डब्लू जी और ए डब्लू उष्ण कटिबंधीय आद्र जलवायु प्रदेश। ए डब्लू का मतलब है उष्ण कटिबंधीय आद्र जलवायु प्रदेश। ये आपका हाड़ोती, बांगड़ और माउंट आबू वाला जो क्षेत्र है वो किसमें आता है? ए डब्लू में आता है। किसमें आता है? ए डब्लू का मतलब है उष्ण कटिबंधीय आद्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, ये आता है सी डब्ल्यू जी, आपका उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में आता है। और राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो सारा का सारा हिस्सा सी डब्ल्यू जी के अंतर्गत आता है। बी एस एच डब्ल्यू में आपका अर्ध शुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो बी एस एच डब्ल्यू में आता है, और जो आपका शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है वो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू के अंतर्गत आता है। तो कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को चार भागों में बांटा है, ए डब्ल्यू, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू और सी डब्ल्यू जी। ध्यान रखना, ए डब्ल्यू सबसे नीचे, फिर सी डब्ल्यू जी,
फिर BSHW और BWHW, इनकी सीक्वेंस कई बार पूछी गई है तो ध्यान रखना, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की सीक्वेंस इसमें पूछी जा सकती है, तो आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों। AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश है, जहां सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जहां पर गर्मी बहुत पड़ती है, जहां पर सर्दी और गर्मी दोनों का तापमान जो है कम नहीं होता कभी, वहां पर ये जलवायु पाई जाती है। यहां पर सर्दी कम पड़ती है, उष्णता ज्यादा रहती है, लेकिन आर्द्रता भी विद्यमान रहती है, वर्षा यहां पर अच्छी होती है। ये हाड़ोती, वांगड़ और माउंट आबू वाला जो इलाका है वो AW में आता है। CWG में आपका ABCD, ABCD वाला जो इलाका है वो किस में आता है, एंड JPR जयपुर आ गया आपका, दौसा आ गया, राजसमंद वाला इलाका RSTU राजसमंद आ गया, सिरोही आ गया, टोंक आ गया, उदयपुर आ गया, ये वाला जो क्षेत्र है वो CWG में आता है। BSHW में लूनी बेसिन, नागौर बेसिन, शेखावाटी बेसिन और जो घग्गर बेसिन है वो आपके BSHW में आता है, और BWHW में आपका जैसलमेर और बीकानेर वाला इलाका, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू का आंशिक क्षेत्र जो है वो किस में आता है, BWHW के अंतर्गत आता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब कोपेन के वर्गीकरण को हम इस मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं, एक बार देख लीजिए। AW जलवायु प्रदेश, AW में मैंने आपको बताया भी था कि AW वाला जो क्षेत्र है वो किस में आता है, AW वाला जो क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है, AW वाला जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, आगे की क्लास में हम कोपेन के वर्गीकरण को आगे समझेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, आगे हम के वीडियोस में हम कोपेन के वर्गीकरण के साथ साथ ट्रिवाता और थॉर्नवेट का जो वर्गीकरण है उसको भी हम समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, इसके लिए आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहे, ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करें, ताकि कंपटीशन क्लासेस जो आपकी चल रही है उसमें आप सफलता प्राप्त कर सके। इसलिए नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े जाइए विद्यार्थियों, धन्यवाद।